दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। वेल दोस्तों, फेस पिगमेंटेशन, माउथ अराउंड पिगमेंटेशन, किसी भी तरीके के स्पॉट्स आपके चेहरे पे नजर आ रहे हैं और सर्दियों में ज्यादा उभर के आ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसान और बहुत ईजी सी रेमेडी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको सबसे पहले एक क्लीन बोल ले लेना है और इस रेमेडी को आप चाहें तो 1 वीक के लिए बना के रख सकती हैं, या फिर आप डेली भी इस रेमेडी को बना करके यूज कर सकती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर जिसे कि हम सर्दियों में अपनी सर्दी को दूर भगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेहद ही फायदेमंद होती है, लेकिन ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये आपके स्किन की पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को, ब्लैक स्पॉट्स को, फेस में किसी भी तरीके के पिंपल, एक्ने, मार्क्स हैं उसको भी दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा ये स्किन की इम्प्योरिटीज को दूर कर देती है और स्किन को साफ सुथरा बना देती है। तो मुलेठी पाउडर आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकती हैं, मतलब मुलेठी को पाउडर फॉर्म में ले सकती हैं, या फिर अगर घर में मुलेठी आपके पास ड्राई फॉर्म में है तो उसका पाउडर भी बना सकती हैं। वैसे आप पाउडर फॉर्म में लेंगी तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा इसका एप्लीकेशन तैयार करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये मुलेठी लिया है पाउडर, जो कि अपने नियर अबाउट लोकल मार्केट से लिया है। तो आपको सिर्फ आधा चम्मच यहाँ पे मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो आधा चम्मच यहाँ पे मुलेठी पाउडर लीजिए एंड इसमें ऐड कीजिए जैतून का तेल, यानी कि ऑलिव ऑयल। सो गाइज, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फिगारो का ऑलिव ऑयल। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा तेल स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, वैसे तो ऑयल बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ एक ऑयल हैं जो कि स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑलिव ऑयल यूज़ करना है तो फिगारो का बेस्ट होता है स्किन के लिए, एंड स्वीट आलमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है वो भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एंड कोकोनट ऑयल तो आप हमेशा यूज़ कर सकती हैं स्किन के लिए, वो भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो 1 चम्मच यहाँ पे ऑलिव ऑयल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे मिक्स करने के बाद आपको इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले अपने चेहरे को 2 बार साफ करना है। सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है एंड सेकेंड नंबर पे क्लिंजिंग करनी है। कच्चे दूध से या फिर रोज वाटर से अपने चेहरे को बिल्कुल क्लीन कीजिए। नोज अराउंड, अपने चिन एरिया में, चिक एरिया में, वहाँ पे ऐसे धूल, मिट्टी, गंदगी जमा होती है जो कि फेस वॉश के दौरान भी नहीं निकलती है। इसलिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करें एंड इसके बाद इस पैक को आपको क्या करना है, अपने फेस पे लगा करके छोड़ना नहीं है। इसे अपने फेस पे लगाना है, ऑल ओवर फेस पे इसे अप्लाई करें इस तरीके से और मसाज करें कम से कम 5 मिनट तक। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे की मसाज करें और तब तक करें, मतलब 5 मिनट में इजीली आपके स्किन में ये जो ऑलिव ऑयल है और मुलेठी का पाउडर है ये पेनिट्रेट हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे छोड़ देना है, इसे वॉश नहीं करना है और ना ही वाइप करना है। इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है एज इट इज़ और सो जाना है। मॉर्निंग में उठते हैं उस टाइम आप नॉर्मली अपने फेस को जिस तरीके से क्लीन करना चाहें वैसे इसे वॉश कर सकते हैं और इसे रेगुलर ही आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। अगर आपको ये समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप 2 बार इसका इस्तेमाल करें, यानी कि दिन में और रात में सोने के पहले, और अगर आप नॉर्मली हैं तो आप इसका इस्तेमाल रात में करें। रात में आपको ज़रूर से ज़रूर इसका इस्तेमाल करना है, दिन में आप अवॉइड कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं गए हैं बाहर, आप नहीं कर पाए, लेकिन इसे रात में ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि रात का वक्त जो होता है वो सबसे अच्छा टाइम होता है फेस में एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी काफ़ी रिलैक्स होती है, हमारी बॉडी हीट होती है और हम जो भी पैक लगाते हैं वो उसका असर जो है वो ज़्यादा होता है। इसको लगाने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर आपकी स्किन में ये सूट नहीं होता है, जैसे कि आपको कुछ इरिटेटिंग लगता है, खुजली होती है, इचिंग होती है या जलन महसूस होती है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। ये बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन बहुत सारे स्किन
टोन को ये सूट नहीं होता है, इसलिए आप इसका पैच टेस्ट जरूर करें। रेमेडी को आप 15 दिन तक कंटिन्यूअस जरूर इस्तेमाल करें। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की ये छोटी सी रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।